स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को मिले रिस्पॉन्स से करण जौहर हैं अपसेट। क्या बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की एवरेज रिस्पॉन्स से करण है डिसअपॉइंटेड? क्या अपनी इस हिट फिल्म फ्रेंचाइज को करण जौहर अब कर रहे हैं क्लोज? फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से करण जौहर को थी ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस। आखिर इस फिल्म के पहले पार्ट ने, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था, उसे ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म इंडस्ट्री को इस फिल्म ने 3 बड़े स्टार्स वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट मिले, लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ना तो कलेक्शन के मामले में ना ही पॉपुलैरिटी के मामले में कुछ खास कर पाई। यही वजह है कि अब सोर्सेस से खबर आ रही है कि करण जौहर इतने ज्यादा अपसेट हैं कि उन्होंने अपनी इस हिट फ्रेंचाइज के तीसरे पार्ट पर फिलहाल काम नहीं करने का मन बना लिया है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की रिलीज से पहले कहा गया था कि करण जौहर इस फिल्म के कई पार्ट्स रिलीज करेंगे, क्योंकि उन्हें इस फ्रेंचाइज में बहुत पोटेंशियल दिखता है। लेकिन अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की रिलीज के बाद सिचुएशन बदल चुकी है। कहा जा रहा है कि करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा को इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम नहीं शुरू करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने पुनीत को दूसरे प्रोजेक्ट्स में फिलहाल ध्यान लगाने के लिए कह दिया है। इट सीम्स लाइक करण जौहर इज हार्ट ब्रोकन बाय द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंसेस। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस फिल्म पर उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया था। फिल्म के प्रमोशन में भी वो सबसे आगे रहे थे, लेकिन फिल्म का रिजल्ट उनके लिए है बहुत डिसहार्टनिंग। वेल, अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर सीरीज की तीसरी फिल्म का फ्यूचर क्या है, ये आप भी समझ ही सकते हैं। संदेश आगते, जू मुंबई।